तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन SHM की अगर हम बात करते हैं, तो आप मुझे एक बात बताओ कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि एक पेंडुलम है जो SHM में मूव कर रहा है, तो अगर मैं ये पूछूं कि पेंडुलम अपनी वाई की वैल्यू को चेंज कर रहा है हर इंस्टेंट पर, तो वाई का फॉर्मूला क्या होगा किसी भी इंस्टेंट पर? तो आप बोलेंगे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग वाई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने पूछा ठीक है क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है पेंडुलम की SHM में कोई भी बॉडी? आपने कहा हो रही है, तो फॉर्मूला क्या? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने कर लिया। मैंने पूछा एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, आपने कहा हो रही है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। जब वाई चेंज होगा तो ए अपने आप ही चेंज होगा, ये भी क्लियर है यहां तक? तो वाई भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, वी भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, और ए भी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है। तो मैंने पूछा कि एनर्जी का, एनर्जी के बारे में, तो आप बोलते हो पेंडुलम के एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, वो जैसे जैसे नीचे 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 आ रहा है एनर्जी कम 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 हो रही है और लोएस्ट पॉइंट पर जीरो है और फिर इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम है। तो एनर्जी पोटेंशियल हर इंस्टेंट पर अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। तो मैं आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता हूं कि टाइम टी इक्वल टू 15 सेकेंड पर पोटेंशियल एनर्जी बोलो क्या होगी? अब आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो किसी ने कहा वर्क एनर्जी थ्योरम, वो वर्क एनर्जी पार से हम करते थे एनर्जी निकालते थे, वो तब निकालते थे जब एक पॉइंट की एनर्जी गिवन है और दूसरे की निकालनी है। टाइम के साथ कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का है नहीं। सिमिलरली विद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पर जीरो है और मीन पे आते 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 मैक्सिमम है और फिर जीरो है। हर इंस्टेंट पर काइनेटिक भी अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। पोटेंशियल भी चेंज कर रही है, काइनेटिक भी चेंज कर रही है। तो मैं एक्सप्रेशन निकालना चाहता हूं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, जो हर इंस्टेंट पर वैल्यू को क्या कर रही है? चेंज। ये एक्सप्रेशन है, तो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए भी। तो एक्सप्रेशन फॉर क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? हमने बहुत बार डिस्कस किया, अगर आप अगेंस्ट नेचर काम करते हो तो उसमें एनर्जी भर जाती है, आपको वर्क डन करना पड़ता है उसको रिमूव करवाने के लिए अगेंस्ट नेचर, और वो जो वर्क डन किया जाता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। काफी बार किया जाए, स्प्रिंग एनर्जी है, स्प्रिंग तो खुलना नहीं चाहता लेकिन आप खोल रहे हो जबरदस्ती, तो आप क्या करोगे उसको खोलने के लिए? वर्क डन करोगे। तो वो वर्क डन स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है मुझे, अब कैसे निकलेगी? देखो ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी आपका? सपोज कोई भी बॉडी अगर SHM में मूव कर रही है टू एंड फ्रो, तो सपोज करो एक पेंडुलम है। पेंडुलम ये कहता है कि मैं इधर जाता नहीं अपने आप, क्यों जाएगा भाई? पेंडुलम तो नीचे रहना पसंद करता है। पर आप कहते हो नहीं मेरे को तो भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब पेंडुलम कहता है कि ठीक है तुम मेरे पे वर्क डन, तुम मुझे यहां लेके जाओगे तो मेरे अंदर क्या डेवलप हो जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। तो आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं तेरी रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा। तो जो भी आप अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स काम करोगे वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा उस पेंडुलम में या जो भी बॉडी SHM में मूव कर रही है इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो मुझे वर्क डन क्या निकालना है? अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। तो मेरी वो वर्क डन क्या मानी जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज बताओ, इसमें कोई भी बॉडी अगर SHM में होगी तो उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए साइन नेगेटिव यूज करते हैं, ये वापस आने की फोर्स है। अब आपको वर्क डन करना है, और मान लो आपको जो वर्क डन करना है वो अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स करना है। अब आपको क्या वर्क डन करना है? अब रिस्टोरिंग फोर्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट है, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। वाई चेंज होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी चेंज होगी। अब क्या होगा अगर आपने मान लो डी वाई डिस्प्लेस किया डी वाई, तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू। तो आपका जो वर्क डन है वो क्या है? अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स। तो मान लो कोई पेंडुलम को आपने रिप्लेस जो है डिस्प्लेस करना है, तो आपको अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स काम करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा? एफ इन टू डी वाई। आपने वर्क डन किया अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसलिए अगेंस्ट के लिए साइन क्या लगा? नेगेटिव। वेयर एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। तो इसको उठा के जब यहां पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर ये स्टेप कंफ्यूजिंग लगता है कोई बात नहीं, आप सीधा ही लिख दो स्मॉल वर्क डन इज फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, बात खत्म, एफ इनटू डी वाई। अदरवाइज रूल ये है कि आपका जो वर्क डन होगा अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो एक वर्क डन जो आप वर्क डन करोगे अगेंस्ट रिस्टोरिंग करोगे, रिस्टोरिंग तो ऑलरेडी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मान लो आपने वाई डिस्प्लेस किया बॉडी को,
तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलेगा, तो जीरो से वाई इंटीग्रेट करेंगे वाई स्क्वायर बाई टू, तो ये वर्क डन स्टोर हो जाएगा बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला नोट करें, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट करें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये याद रखना, एक्सप्रेशन एनसीईआरटी में आ सकता है। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये आसान है। काइनेटिक एनर्जी जब कोई बॉडी एसएचएम में होती है तो उसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज होती है वाई के साथ, हमें ऑलरेडी पता है ये फॉर्मूला ड्राइव्ड है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, इस वी को यहां से उठा के यहां पुट कर देंगे इसका स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला याद करें काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पोटेंशियल का ये फॉर्मूला, काइनेटिक का ये फॉर्मूला, टोटल एनर्जी एसएचएम में क्या होगी, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। तो इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करके y वाली टर्म तो ओपन करके ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो तीनों फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी का भी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी का भी, एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी का भी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बेस पे ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स आते हैं, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये मान लो कोई पेंडुलम है, कोई भी एग्जांपल है, ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन है ए, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस ए, एक ए और एक माइनस ए, राइट क्लियर है? तो इसमें ग्राफ ध्यान से देखना प्लीज, इस ग्राफ के अंदर ये आपका जो ये लाइन है ये क्या शो कर रही है, टोटल एनर्जी। तो एसएचएम के अंदर जब भी कोई बॉडी मूव करेगी तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो तो चेंज नहीं होगी, पोटेंशियल चेंज होगी। एक बात बताओ, पेंडुलम है एक्सट्रीम पॉइंट पर, एक्सट्रीम पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या होती है, जीरो मिनिमम। तो ये लो, पोटेंशियल मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो है, फिर एक्सट्रीम पर फिर मैक्सिमम है। अच्छा, काइनेटिक एक्सट्रीम पर जीरो है, मीन पर मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पर जीरो है। तो ग्राफ याद रहेगा, कोई डाउट इसमें? एक्चुअल में जो ग्राफ है वो ये नहीं है, ये तो एक स्नैप है ग्राफ की, एक्चुअल में ग्राफ ये है। असल में ग्राफ काइनेटिक का, पोटेंशियल का ऐसे बनता है, और ये टोटल एनर्जी है। अब ये ऐसा बनता क्यों है, देखो ऐसा इसलिए बनता है, आप साइड पर नोट भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई स्क्वायर, लेकिन वाई क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी,
तो इस वाई की वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बनेगा। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो अभी किया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी। इस वाई को यहां पुट कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, या फिर क्या करेंगे इसमें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मेडिकल के लोग ध्यान से देखेंगे, नॉन मेडिकल वालों को ऑलरेडी पता है। मैथ्स में अगर हम साइन स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे, साइन स्क्वायर, तो टाइम जीरो पे साइन जीरो जो होता है वो जीरो होता है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। दिस इज द ग्राफ, मैं कलर चेंज करता हूं। ये जो ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, चेक कर रहे हो, साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। और ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी में क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर। तो मेडिकल के लोग ध्यान से देख लें, कॉस स्क्वायर का ग्राफ जो बनता है वो ये डॉटेड वाला बनता है, ये ग्राफ कॉस स्क्वायर का ग्राफ होता है, ये रहा। तो समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बना, एक एनर्जी साइन स्क्वायर में चलती है और एक कॉस स्क्वायर में चलती है, तो इसलिए ग्राफ की वेरिएशन ये है। तो आपको ये मेंस और नीट में आए हुए क्वेश्चन है कि फोटो दी हुई है, चार ऑप्शन, प्लॉट द एग्जैक्ट ग्राफ फॉर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
देखो इधर, तो ये ग्राफ समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया। अब दूसरा, और हाँ फिर ये ग्राफ क्या था, कोई कहेगा इसकी ना फोटो खींच लो इसकी, बस ये लगा दी फोटो, तो पार्ट ऑफ ग्राफ था वो। पूरा ग्राफ, जो पूरा ग्राफ है वो ऐसा है और ग्राफ एक्चुअल ऐसा है। ठीक, तो एक और बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड बताओ पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। देखो टाइम पीरियड होता क्या है, कोई अपनी वैल्यू को कब रिपीट करता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। साइकिल जब रिपीट होता है उस टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, इसमें अगर ये ग्राफ को देखें, मैं तीन तरीकों से टाइम पीरियड प्रूव कर सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड कैपिटल टी बाई टू होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी टाइम पीरियड कैपिटल टी बाई टू होता है। तो लिख लो पहले, तो ये नोट यहीं पे लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन SHM इज टी बाई टू, सिमिलरली टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन SHM इज टी बाई टू। याद रख लेना टाइम पीरियड टी बाई टू, टी बाई टू है, और SHM में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड इज सिर्फ टी। ये तो कर रहे हैं कि एक चक्कर डिस्प्लेस, जब डिस्प्लेसमेंट होती है ए टू एंड फ्रो तो कितनी देर में होती है, कैपिटल टी। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर कोई टाइम पीरियड पूछे तो कैपिटल टी, लेकिन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का पूछे तो टी बाई टू। अब मैं इसको तीन तरीकों से प्रूव करता हूं कि टी बाई टू क्यों। ठीक है यहां तक?
तो ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं प्रूव करता हूं इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी बाई टू होता है। ध्यान से देखना, कैपिटल टू टी बाई टू में देखो क्या करना है। कैपिटल टी बाई टू में पहला रीजन कैपिटल टी बाई टू होने का, ये देख रहे हो ये पैटर्न क्या है, रिपीट हो रहा है। कोई भी एनर्जी ले लो, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। और कब रिपीट हो रहा है, जीरो से फिर जीरो वैल्यू होगी, जीरो से फिर जीरो वैल्यू होगी, टी बाई टू फिर टी बाई टू। ठीक है, तो अब चेक कर लो कि टाइम पीरियड कितना है एनर्जी का, कैपिटल टी बाई टू। कोई डाउट इसमें? ठीक, एक रीजन। चलो नहीं समझ में आया, एक और तरीका बताता हूं मैं, कॉन्सेप्चुअल तरीका बताता हूं। मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 10 जूल है। वापस 10 जब होगी तो उसको एक चक्कर मानना है। ठीक है, 10 पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एनर्जी तो स्केलर है, नेगेटिव पर चक्कर ही नहीं है। तो 10 से वैल्यू वापस कितनी हो गई, 10। यहां से यहां आना टी बाई फोर, यहां से यहां आना टी बाई फोर, तो टोटल टाइम क्या हो गया, टी बाई टू। तो एनर्जी मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम कितनी देर में हुई, कैपिटल टी बाई टू। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कैपिटल टी बाई टू। ठीक, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर लिखूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वाई को अगर मैं पुट करूं ए साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आप लिख चुके हो ये, तो कितना आया, सॉल्व करके आप देखा होगा ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहां पर क्या आया था, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आया था। मैथ्स वाले लोग जानते हैं, मेडिकल वालों को करने की भी जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसे लिखते हैं ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर को कॉस 2 थीटा की फॉर्म में। तो मुझे एक चीज बताओ कि डिस्प्लेसमेंट तो इसके इक्वल है, चेक कर रहे हो, तो अगर ओमेगा क्या कर दिया मैंने, डबल, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ। लास्ट टाइम किया था ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, तो अगर ओमेगा डबल होगा तो टाइम पीरियड हाफ, तो टी बाय टू। अब आपको पेपर में क्या आएगा, प्रूफ तो आएगा नहीं, ये तो मैं ऐसे वैसे बताते जा रहा हूं कि हाँ देखा टाइम पीरियड टी बाय टू है, आपको नहीं आएगा। आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, टाइम पीरियड बोलो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कितना, तो कितना, टी बाय टू। डन, समझ में आया यहां तक? तो प्रूफ सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन के लिए है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का टी है तो एनर्जी इसका टी बाई टू है। टोटल एनर्जी का क्या है ही नहीं, क्योंकि उसका कौन सा साइकिल है, वो तो फ्लैट है, ये कौन सा रिपीट होनी है, तो फ्लैट है, राइट। तो पेंडुलम की अगर बात करें, तो पेंडुलम में यहां पर वाई जीरो है। एक काम करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो यहां पर क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन वाई तो जीरो है, पोटेंशियल क्या, जीरो। काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पर वाई क्या है यहां पर, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्लियर है। उसी तरीके से एक्सट्रीम पर वाई क्या है, ए, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वाई की जगह ए, और काइनेटिक में वाई की जगह ए, तो काइनेटिक क्या आएगी, जीरो। इसका मतलब सही रिजल्ट दे रहा है ये फॉर्मूला, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो हमेशा सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी होती है। मान लो टोटल एनर्जी 100 जूल है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम कितनी हो सकती है, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 10। तो इसका मतलब क्या, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम का मतलब जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में क्या आएगी, मैक्सिमम, और किसके इक्वल आएगी, टोटल एनर्जी के इक्वल आएगी। उसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या आएगी, मैक्सिमम, और ऑब्वियसली क्या आएगी, टोटल एनर्जी के इक्वल आएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और यही तो प्रूव किया मैंने, जब पोटेंशियल जीरो है तो काइनेटिक टोटल एनर्जी के इक्वल है, जब काइनेटिक जीरो है तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी के इक्वल है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है? तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।